ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे श्रोतागणों और आत्मदर्शन चैनल के सभी श्रोताओं और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय यीशु। आज हम संत लूकस अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43 तक आज के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। और आज के वचन पर हम देखते हैं किस प्रकार यीशु यरीको के निकट जाते हैं। यरीको के निकट जब वे अपनी यात्रा करते हैं तो वहां पर एक अंधा व्यक्ति उन्हें पुकार कर कहता है, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। और वहां पर उस अंधे व्यक्ति के इर्द गिर्द काफी लोग रहते हैं। वे लोग उस अंधे व्यक्ति को, जो सड़क के किनारे बैठा रहता है, उसे कहते हैं कि भाई तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन फिर भी वह अंधा व्यक्ति ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, इस प्रकार का एक नारा लगाते रहता है। वह कहते रहता है, वह अपनी प्रार्थना करते रहता है, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। और लोग उसे निराश करते हैं, लोग कहते हैं कि तुम दूर हटो, प्रभु ईसा को आगे जाने दो। लेकिन वहां जब प्रभु ईसा उसकी आवाज सुनते हैं तो वह लोगों को बोलते हैं कि तुम उसे मेरे पास लेकर। और वहां प्रभु उस अंधे व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, प्रभु पूछते हैं तुम क्या चाहते हो मुझसे। और वहां वह अंधा व्यक्ति बोलता है, हम वचन में सुनते हैं, प्रभु मैं फिर देख सकूं। जी हाँ दोस्तों, वह अंधा व्यक्ति प्रभु से आग्रह करता है, प्रभु से कहता है कि प्रभु मुझे फिर देखने दीजिए, मैं फिर देखना चाहता हूँ। और प्रभु कहते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। जी हाँ दोस्तों, हमारा उद्धार हमारे विश्वास के ऊपर है। किस प्रकार हम प्रभु की ओर विश्वास लगाए रखते हैं, हम देखते हैं इस जगह पर। वचन पर मनन चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार उस अंधे व्यक्ति के इर्द गिर्द जो लोग थे उसे दबा रहे थे, उसे एक निराश कर रहे थे। लेकिन वह अंधा व्यक्ति अपना हार नहीं मानता है। वह अंधा व्यक्ति जानता है कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो प्रभु मेरा उद्धार करेगा। अगर मैं प्रभु के पास, प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखूंगा, प्रभु मेरा उद्धार करेगा, मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। उसे इस प्रकार का विश्वास था और वह अपने विश्वास पर कायम रहता है, अड़िग रहता है। और आज हम सभी से एक प्रश्न है, हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो हमें निराश करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो हमें कमज़ोर बनाते हैं, जो हमें इस प्रकार से दुर्बल बनाते हैं कि हम और आगे ना उठ पाए। लेकिन अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु में है, प्रभु पर है, तो चाहे भीड़ की भीड़ इकट्ठा क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर रहेगा और प्रभु हमसे कहेगा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हमें अपने विश्वास को टटोल के देखना है कि क्या मेरा विश्वास प्रभु पर अड़ी है, क्या मैं अपने विश्वास पर दृढ़ हूँ। कठिनाइयाँ, परेशानी, क्या यह सब परेशानियाँ मुझे प्रभु से अलग कर पा रही है? अगर नहीं कर पाती और मैं प्रभु पर अड़िग हूँ तो प्रभु भी मुझे आकर मेरा स्पर्श कर मुझे कहेगा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आइए दोस्तों, आज जब हम इन वचनों पर मनन चिंतन करें, हम अपने जीवन पर विशेषकर अपने विश्वास को प्रभु के सम्मुख रखें, प्रभु से कहें कि प्रभु आप मेरे विश्वास को बढ़ाइए। और वचन कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर क्यों ना हो तो तुम महान चमत्कार देखो। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने जीवन पर उस विश्वास को और बढ़ाएं और विश्वास को और दृढ़ रखें, जिससे कि जब प्रभु हमारे पास आए, हमारे नज़दीक आए, हमें स्पर्श करे, तो हम कह सके दाऊद के पुत्र,
मेरी पुकार सुन, मेरी अर्जियों को सुन, मेरी प्रार्थनाओं को सुन।